हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुप्रभा एकेडमी। आज हम प्रैक्टिकल सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी CS1 की, इसके अंदर जो है हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और आज हम प्रैक्टिकल नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 1 नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं और उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपको ये प्रैक्टिकल सीरीज देखने क्यों चाहिए, इसका कितने मार्क्स का वेटेज होता है, इसका क्या आपको एडवांटेज होगा थ्योरी पेपर के अंदर, और ये सारी चीजें जो है किस तरह से हमें प्रैक्टिकल जर्नल मेंटेन करना है, कितने मार्क्स का क्या आता है, वाइवा किस तरह से होता है, ये सब जो बेसिक से चीजें हैं वो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा था। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो दोनों की जो लिंक है, प्रैक्टिकल नंबर 1 साथ ही इंट्रोडक्टरी वीडियो, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। तो आप जो है वो वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके जो है PDF फॉर्म में से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज को ये लेक्चर प्रैक्टिकल नंबर 2। सो जैसे आपको पता है कि CS1 के अंदर जो हमारा पेपर 1 होता है, कंप्यूटर साइंस 1, जो कि सॉफ्टवेयर्स का होता है, उसके अंदर जितने भी सारे कोडिंग होते हैं, सारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो C++ चैप्टर के रिलेटेड होते हैं, जो कि एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें सिखाए जाते हैं क्लास 11 12th में, और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम यूज़फुल होता है हमें जब हम BTech वगैरह कर रहे होते हैं, फर्दर स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तभी जो है वो, इसलिए जो है वो सारे C++ के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पर हमें क्लास 11 12th मैट्रिक्स लेवल पर सिखाए जा रहे हैं वो जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसी से लेकर यही चीज़ ध्यान में रखते हुए, C++ के लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस ध्यान में रखते हुए जो है वो हम इस प्रोग्राम की बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट हमें लिखना होगा ईम, इसके बाद हम कोड लिखते हैं, फिर आउटपुट लिखते हैं। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल से आपको अंदाजा आ गया होगा कि आपको किस तरह से आपके प्रैक्टिकल बुक में, साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है किस तरह से हमें लिखना होता है आंसर। सो फर्स्टली आपको एक स्लिप दी जाएगी जिसके ऊपर ये एम लिखा होगा, तो आपको वो एम कॉपी करना है, फिर हमें कोड लिखना होता है। सो एम देख लेते हैं इस प्रोग्राम का। Write a program in C++ to sort the number in ascending order using bubble. So, यहाँ पर जो है वो basically ये question read करके हमारे दिमाग के अंदर जो है वो इसके algorithm घूमनी चाहिए। So, यहाँ पर sort ये word आ गया है, साथ ही bubble ये word आ गया है, और तो और ascending order ये word आ गया है। इसका मतलब है basically कि हमें जो है यहाँ पर bubble sort algorithm जो होती है वो हमें यहाँ पर लगानी होगी, यानी कि basically sorting का जितना भी एल्गोरिदम है वो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना होगा। और तो और हमें किस ऑर्डर में, किस तरह से हमें सॉर्ट करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से लेकर बड़ा, यानी कि बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये जो सारे नंबर्स होंगे उन्हें सॉर्ट करना होगा। सो इस तरह से जो है वो आपको पहले एक जो एम है उसे रीड करके अंदाजा आ जाना चाहिए कि क्या हमें करना होगा आगे, ताकि जो है वो हम अकॉर्डिंगली एल्गोरिदम को फ्रेम कर पाए। सो अगर हम कोड की शुरुआत करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमें यहाँ पर #include_icestream.h लिखना होगा, फिर #include_conio.h लिखना होगा। ये दोनों जो है वो .h मतलब हमारी दोनों हेडर फाइल होती है। IO स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट के सारे ऑपरेशंस इसके अंदर हो सकते हैं, साथ ही कोनियो का मतलब होता है गेट सीएच और क्लियर स्क्रीन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे आउटपुट के लिए बेसिकली इस्तेमाल हम ये जो हेडर फाइल है वो उसे करते हैं। इसके बाद हमारी जो बॉडी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर इस तरह से होगी। फर्स्टली हमें लिखना होगा यहाँ पर वॉइड मेन, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और हम एंड करेंगे, फिर हम दिखाएंगे किस तरह से हम स्टार्ट से एंड करते हैं। इसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप लिखना होगा जो कि होगा CLR और SCR, इस तरह से ये जो फंक्शन है वो आपको मैंशन करना होगा। CLR और SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, यानी कि जो हमारे आउटपुट है उसे प्रिंट करने के लिए जो पहले हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। फिर जो है सॉर्टिंग के लिए हम यहाँ पर एरे का इस्तेमाल करेंगे, और एरे का लेंथ जो है वो हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सो अगर हम ए और ऐसे लिखते हैं तो ये मतलब इसका मतलब होता है एरे, और इसके अंदर जो कुछ भी हम वैल्यू फिल करेंगे उसका मतलब होता है कि उसकी उतनी लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर अगर 4 डाला है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4 या फिर मतलब कोई से भी यहाँ पर इस तरह के नंबर्स, 4 नंबर्स मौजूद हो सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो हमें इसका जो लेंथ है वो हमें समझना चाहिए। साथ ही हम यहाँ पर n लेंगे जो कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, i, j और t जो है वो हम सारे वेरिएबल्स जो है वो यहाँ पर हम असाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे बेसिकली। सो इन टीचर फॉर्म में ये सारे नंबर्स हो गए वो हम यहाँ पर असाइन करते हैं। फिर हम लिखेंगे cout enter the length of an array, तो ये हम एक स्टेटमेंट देंगे जो हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सबसे फर्स्ट प्रिंट हो गए। इसके बाद हम इनपुट लेंगे n, सो n जो है वो हमारा लेंथ ऑफ एरे है, ये बेसिकली जो यहाँ पर हमने 20 ऑलरेडी असाइन कर रखा है वो बेसिकली एरे का लेंथ है।
सो अगर आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट है जब तक जहाँ तक हम एंटर कर सकते हैं, तो अगर हमें एंड एंटर करना है तो वो 20 से 19 से बेसिकली कम ही होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। सो फर्स्ट हमें लेंथ मेंशन करनी होगी, सो फर्स्ट ये मैसेज आएगा। इसके बाद सपोज आप 5 एंटर करते हैं तो 5 आप इस तरह से एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आप सिंपली जो है वो यहाँ लिखेंगे एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई रैंडम नंबर सिस्टम जो है वो यहाँ पर साइन करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 3, 5 और 1। तो इस तरह से जो है वो हमने 5 यहाँ पर नंबर्स जो है वो असाइन कर लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सॉर्टेड नहीं है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि कोई भी रैंडम यहाँ पर हमने नंबर्स उठाकर रख दिए हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 5 है, तो ऐसे हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को यहाँ पर लिखना होगा। सो ये किस तरह से हम लिखते हैं और कैसे हमें ये मेंशन करना है ये हम देख लेते हैं। सो फॉर इंस्टेंस आप यदि यहाँ पर देखते हैं तो ये जो एल्गोरिदम जो हमने सीखी थी क्लास 11th के अंदर, तो बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। सो एल्गोरिदम क्या कहती है, फर्स्टली जो है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इसका मतलब होता है कि हम आई यहाँ पर फॉर का मतलब होता है कि हम फॉर लूप का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो है वो हम कंडीशन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है स्टार्ट ब्रैकेट यहाँ होता है और यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट एंड होता है। सो जैसे आप देख सकते हैं हमारे फॉर लूप का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, यानी कि फॉर लूप के कंडीशन के लिए जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये हमारी मेन कंडीशन हो गई फॉर के लिए। सो बेसिकली हमें जो है वो फॉर की पहले कंडीशन लिखनी होती है, तो आई जो है वो हमारा काउंटर है बेसिकली, तो ये हमें याद रखना है, और एंड जो है वो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है या फिर आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ एरे है। सो पहले हम आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो है वो i जब तक हमारा वैल्यू n से लेस ना हो जाए, यानी कि अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0, 1, 2 इस तरह से, और हमारा जो n है वो आप देख सकते हैं वो 5 है। यहाँ पर n जो है n इक्वल टू 5 इसके एग्जांपल के लिए मैं लेती हूँ। सो हमारा n जो है वो 5 है। सो जब तक हमारा i का वैल्यू हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, और 0 से लेकर जो है वो i लेस देन n, यानी कि i का जब तक वैल्यू 5 से कम ना हो जाए तब तक जो है वो i प्लस प्लस हम करते रहेंगे, यानी कि i का वैल्यू हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं 0 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 और तो और यहाँ पर जो है वो 5 हम नहीं लिखेंगे बेसिकली, क्योंकि जो है लेस देन का लेस देन दिया है, लेस देन इक्वल टू नहीं दिया है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। और तो और आपको यहाँ पर मैं मेंशन करवाना चाहती हूँ कि जब भी हम बेसिकली ये 5 लिखते हैं इसका मतलब है कि हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके हिसाब से जो है वो आपको सारे जो नंबर्स हैं उसे लेने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारी ये जो कंडीशन है कि हमें जो जो हमारा इनपुट होगा वो बेसिकली होगा आई और फिर आई, यानी कि आई का जो वैल्यू है वो काउंटर, यानी कि काउंटर वैल्यू के हिसाब से हम सारे इनपुट्स लेंगे, तो इस तरह से जो है वो सी एन का मतलब होता है इनपुट। तो एरे के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो यहाँ पर हम इनपुट कराएंगे, और ये जो लूप है फॉर लूप वो यहाँ पर हम रन करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पर जो लूप आप देख सकते हैं, कमेंट आप पढ़ सकते हैं, लूप फॉर k टाइम ट्रैवर्सिंग द एंटायर एरे, यानी कि हम k टाइम ट्रैवर्स करने वाले हैं पूरे एरे के अंदर, तो उसके लिए जो है वो ये कंडीशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर जो है एंडिंग तक हमारा लूप चल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक और एक नेस्टेड लूप है। आप देख सकते हैं अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप आता है तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। सो एक फॉर लूप के अंदर जो है दूसरा फॉर लूप है, जिसके अंदर कंडीशन है हमारी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन माइनस के और आई इंक्रीमेंट। इसका मतलब है यहाँ पर जो है के का मतलब है कि हम कितने बार हम ट्रैवर्स कर रहे हैं एंटायर एरे के अंदर, यानी कि आप देख सकते हैं ये अगर इतने कंपैरिजन, अगर इतने टर्म्स हैं तो अकॉर्डिंगली हमें कंपैरिजन भी करने होंगे अगर हमें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं जब तक हमारा आई का जो वैल्यू है इफ इट इज लेस देन हमारा एन माइनस के का वैल्यू, तो तब तक हमारे जो आई है वो हमें इंक्रीमेंट करते रहना चाहिए, और ये हम कर रहे हैं एन टू के कंपैरिजन, यानी कि एन माइनस के तक का कंपैरिजन जब तक हमें करना है वहां तक हमें लूप को चलाना होगा। इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो इफ एल्स का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एल्स हमने लिखता है बेसिकली इफ लिखकर जो है वो हम कंडीशन यहाँ पर मेंशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फ्रेम करते हैं। सो इफ हम लिखेंगे यहाँ पर अगर एरे ऑफ आई अगर वो ग्रेटर होगा एरे ऑफ आई प्लस वन, तो हमें जो है वो ये सारी स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बेसिकली इसका ये मतलब है कि अगर हम देख सकते हैं कि अगर हमें 5 और 4 को कंपेयर करना होगा, या फिर हम सिंपल एग्जांपल के लिए इस कंडीशन के हिसाब से 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, तो जो है वो यहाँ पर इस स्टेप्स से हमें ये करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर
इफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस वन, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम जो है वो i का वैल्यू 4 लेते हैं, और i का वैल्यू अगर हमने 4 लिया है, सो i प्लस वन जो है वो 4 प्लस वन जो कि है वो 5 हो जाएगा. सो हम देख सकते हैं अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें ये करना होता है, यानी कि अगर हमारे एरे के अंदर जो है वो i यानी कि 4 पहले गिवन है, अब इसे फिलहाल के लिए डिस्कार्ड करिएगा, और फिर जो है वो 5 गिवन है, तो इसके कंडीशन के अंदर जो है वो हमें कैसे करना है ये हमें देखना होगा. सो t इक्वल टू a ऑफ i, यानी कि ये सॉर्टिंग इंटरचेंज का जो बेसिकली जो हम हमारी एल्गोरिथम होती है वो हमें फॉलो करनी होगी, यानी कि हम टेम्परेरी वेरिएबल t यहाँ पर असाइन करेंगे और उसके अंदर जो है वो i का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे. इसके बाद हम लिखेंगे कि अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू उसके वैल्यू के 1 मोर से इक्वल है तो हम जो है वो हम सिंपली उसे इंटरचेंज करेंगे. सो इस तरह का बेसिक एल्गोरिथम हमें समझना होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ, अगर हम यहाँ पर जो है पी क्यू इस तरह के कोई टर्म्स के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, और हमें पी क्यू को इंटरचेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल इस पी के अंदर 1 है और क्यू के अंदर 2 है, और हमें जो है वो इन्हें इंटरचेंज करना है, तो हम जो है वो टी एक टेम्परेरी वेरिएबल करते हैं, इसके अंदर हम पी का वैल्यू ये फुल इन कर देते हैं जो कि होगा 1. ये जो है वो इस तरह के वैल्यू है. अभी जो है वो पी का जो बॉक्स है वो खाली है क्योंकि इसके अंदर का वैल्यू टी के अंदर जा चुका है. बेसिकली हमें जो है वो पी और टी का क्यू का वैल्यू जो है वो इंटरचेंज करना है. इसके बाद सिंपली जो है ये हम टी को इस तरह से असाइन करेंगे, इसके बाद जो है वो हम क्यू का वैल्यू टी के अंदर डालेंगे, और फिर जो है टी का वैल्यू हम पी के अंदर डालेंगे. तो इस तरह से फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इंटरचेंज होकर आएगा. तो ऐसे जो है वो हमें ऑर्डर यहाँ पर असाइन करनी होगी. अगर बेसिकली 4, 5, 6 इस तरह से है तो इसका मतलब है कि वो सॉर्टेड है, लेकिन अगर 5, 4 इस तरह से अगर कुछ है तो ये हमें कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है, यानी कि हमें इंटरचेंज करना होगा. तो ये एल्गोरिथम जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है. इसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे ये इसका बॉडी होगा, इफ ये कंडीशन का ये बॉडी है. इसके बाद फॉर ये कंडीशन तब तक रिपीट होगी जब तक हमारी ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, इसलिए ये फॉर का जो बॉडी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक. और तो ये फॉर जिसके अंदर ये पूरे फॉर और इफ है उसकी बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है. सो इस तरह से जो है वो काउंटर को ध्यान रखते हुए हमारा जो आई है और तो और एन और एरे ऑफ आई सभी टर्म्स को काउंट करते हुए जो है वो हम ये फॉर लूप चलाते आते हैं. इस तरह से हमें करना होता है, और फिर हम फाइनली लिखते हैं सी आउट के अंदर यानी कि आप स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम लिख रहे हैं या फिर न्यू लाइन के ऊपर हम लिखते हैं सॉर्टेड एरे इज, और तो और फिर जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसका इनपुट भी लेते हैं. फिर हम लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और फिर हम सी आउट के लिए जो है वो सिंपली उसका वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि जो हमारा टी का वैल्यू होता है जो कि हमारे टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर होता है उसी को जो है वो हम ए ऑफ आई के अंदर पुट करते हैं, और फिर गेट सी एच मतलब कि हमारा जो आउटपुट है वो हम स्क्रीन के ऊपर जो हमारे कैरेक्टर्स है वो हम गेट कर पाए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर. सो हम गेट सी एच मेंशन करते हैं. इसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपको एल्गोरिथम आपने सही से लिखी है सो यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा. एंटर द लेंथ ऑफ एरे, अगर आप ऐसे हमें फर्स्ट प्रिंट होकर आएगा तो आपको 5 एंटर करना है, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं. और तो और एंटर द एलिमेंट सिनेरियो, तो हम एलिमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पर मेंशन, 2 होगा हमारा, 1 होगा, 44, 6 और फिर 9. ये जो है वो हमने कोई भी रैंडम टर्म्स यहाँ पर एंटर कर लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं सॉर्टेड नहीं है. हमें जो है वो सॉर्ट करना है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि पहले 1 आएगा फिर 2 इस तरह से. सो सॉर्टेड आ रही इस 1, 2, 6, 9 और 44. तो इस तरह से अगर आपकी कोडिंग सही है तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट भी सही मिलने वाला है. सो प्रैक्टिकली अगर आप इसका आउटपुट देखते हैं, यानी कि अगर आप स्क्रीन के ऊपर इसको टाइप करते हैं, आपका कोई भी कंपाइलर होगा यानी कि कोई भी आपका अगर सॉफ्टवेयर है, सो टर्बो सी प्लस प्लस भी अगर आप यूज़ करें तो उसके अंदर अगर आप ये पूरा कोड एसेट्स भी टाइप करते हैं लर्निंग पर्पज के लिए, सो इसके अंदर जो है वो आपका आउटपुट सही निकल कर आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो सारा इसका प्रिंट आउट हमने यहाँ पर ले रखा है, यानी कि इसी कोड के ऊपर जो है ये सोर्स कोड होता है बेसिकली, इससे लेकर जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यही कोड कॉपी पेस्ट करके, तो आपको जो है आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको ये सारा चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल नंबर 2 एम वगैरह सब कुछ जो है वो एसरेस कॉपी कर रखा है, और एसरेस जो पूरा कोड जैसे आपके कंपाइलर के अंदर आप टाइप इन करते हैं उसी तरह के यहाँ पर सारे कोड्स हमने लिखे हैं. साथ ही ये जो है डबल स्लैश यानी कि बैकवर्ड्स जो स्लैश होता है 2,
इसका मतलब है तो होता है कि ये कमेंट सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सो ऐसे आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखना है, साथ ही इसका जो आउटपुट है उसका भी प्रिंटआउट हमने दे रखा है। सो इस तरह से अगर आप जर्नल मेंटेन कर रहे हैं तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि आपको किस तरह से जो है ये जो सारा हमने यहाँ पर कोड लिखा था, जो एम लिखा था, उससे हम पहले कंप्यूटर के ऊपर टाइप इन करते हैं पूरा, उसके अंदर जो सारे वैल्यूज है, सारी जो हमारी कोडिंग है वो उसके अंदर करते हैं फिजिकली प्रैक्टिकली ऐसे हम करते हैं। इसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना होता है और वो जो प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पर आउटपुट के साथ पेस्ट करना होता है जर्नल के ब्लैंक साइड के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। सो आई होप कि आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 जो हमने अभी डिस्कस किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अपकमिंग सेशंस के अंदर हम इसी तरह के और भी प्रैक्टिकल्स लाएंगे, साथ ही हम जो CS2 है इसके उसके भी सारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हम कंडक्ट करवाने वाले हैं। सो इसी तरह की सीरीज को देखने के लिए जो है वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर और वाला जो ऑल जो होता है उसे भी दबा दीजिए ताकि सभी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रेशियस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।